रिंद इस शख्स ने सीमा हैदर की दोस्ती सचिन मीणा से करवाई। सीमा के परिवार में है वो कौन कौन है, क्योंकि सीमा ने ये कहा था कि मेरे परिवार के सब कौन मर गया था। इसके सीमा डाउनलोड नहीं हुआ, सीमा का भी पूरा एक खानदान है। सीमा एक झूठ बोल रहे हैं, उनके बहन है, भाई है, उनकी पुप्पी है, चाची है, मामू है, सब बेटा ये बात कराची में है, तो सब जिंदा है। सीमा एक झूठ बोलेगा, पूरी दुनिया तो झूठ नहीं बोलेगी ना। माशाल्लाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तंदुरुस्त होंगे और खैर आफियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमा और सचिन को लेकर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब से सीमा पाकिस्तान से इंडिया आई है, जब से ये जो लोग हैं वो जानने को बेकरार है कि जो सीमा की मदद है वो किसने की थी और सीमा किस तरीके से पाकिस्तान से इंडिया आई है। तो दोस्तों आज इसका जो राज है वो खुल चुका है। सीमा की मदद करने वाले का जो नाम है वो सामने आ चुका है, जो हैदर भाई के वकील है। उन्होंने दोस्तों आज की वीडियो में बहुत खुलासा करा है। उन्होंने उस शख्स का नाम बताया है जिसने दोस्तों सीमा की बहुत ज्यादा मदद करी है और उसी ने ही सीमा और सचिन को एक करवाया है। तो दोस्तों उसका एक वीडियो आया है, तो वो वीडियो आगे मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें जो गुलाम हैदर साहब के वकील हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि वो शख्स कौन है और उसमें किस शख्स का नाम है। तो आप लोग दोस्तों मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको सीमा की सारी पोल खुलकर सामने दिखाई देने वाली है। वो वीडियो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो दिखाने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आगे मैं आपसे बात करता हूं। देखिए जरूर मैंने ये ऐलान किया था कि एक ऐसा शख्स है जो मास्टरमाइंड है सीमा रिंद और सीमा सचिन गुलाम हैदर इन जो है कांड का, और उस शख्स के लिए जब से मैंने ऐलान किया है तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में से लोग ये जानना चाहते हैं कि वो शख्स कौन है, आप उसको बेनकाब करें। तो मैं सबको बताना चाहता हूं, वो शख्स जो है उसका नाम है शाहिद रिंद। ये शाहिद रिंद सीमा हैदर की खाला का बेटा है, सीमा हैदर का कज़न है, सीमा हैदर की खाला का बेटा शाहिद रिंद। ये आपके स्क्रीन पर उसका फोटो चल रहा होगा, ये है शाहिद रिंद। ये शाहिद रिंद इस तमाम खेल का मास्टरमाइंड है और यही वो शख्स है जिसने सीमा हैदर की सचिन मीणा से दोस्ती करवाई। ये शाहिद रिंद वही शख्स है जिसने सीमा हैदर को अपने मोबाइल में पबजी गेम इंस्टॉल करके दी। ये वही शाहिद रिंद है जिसने सीमा हैदर का वास्ता इस सचिन मीणा से करवाया। शाहिद रिंद की सीमा हैदर से पहले ही सचिन मीणा से दोस्ती थी, ये आपस में पबजी खेलते थे। उसके बाद ये शाहिद रिंद इस शख्स ने सीमा हैदर की दोस्ती सचिन मीणा से करवाई और सचिन को कहा कि ये मेरी खाला की बेटी है, आप इसके साथ गेम खेलो, आप इसके साथ दोस्ती करो। जी हाँ, इसी शख्स ने अपनी खाला की बेटी के साथ दोस्ती करवाई इस सचिन मीणा से। तो इस तमाम कांड का ये मास्टर माइंड है। इसी शाहिद रिंद ने सीमा रिंद का पासपोर्ट बनवाया। जब सीमा हैदर और सचिन मीणा की दोस्ती करवाई इस शाहिद रिंद ने, उसके बाद ये मामला आगे चलता रहा। इस शाहिद रिंद को सब पता था कि सीमा हैदर और सचिन मीणा की आपस में दोस्ती से बढ़कर कुछ और अफेयर हो चुका है, जो कि सीमा हैदर इस शाहिद रिंद के सामने सचिन मीणा से बातें करती थी और वीडियो कॉल पर बात करती थी। इसके चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। शाहिद रिंद को यह सब पता था। शाहिद रिंद के सामने सीमा हैदर सचिन मीणा से फोन पर भी बात करती थी, वीडियो कॉल पर भी बात करती थी। पबजी गेम के दौरान जो बातें होती हैं वो भी शाहिद रिंद उस गेम का हिस्सा होता था, आपस में बातें करते थे। शाहिद रिंद की सचिन मीणा से दोस्ती थी, उसके बाद जाके इसने सीमा हैदर की दोस्ती करवाई। जब सीमा हैदर और सचिन मीणा की दोस्ती से बढ़कर आगे कुछ और होने लगा तो शाहिद रिंद ने इसको मजीद फैसिलिटेट करने की कोशिश की। सीमा हैदर ने मजबूर किया शाहिद हैदर को कि मुझे आप फैसिलिटेट करें, मेरी मदद करें, मैं सचिन मीणा से मिलना चाहती हूं, आप मेरी मदद करें। फिर शाहिद रिंद ही वो सहूलतकार है जिसने सीमा हैदर और सचिन मीणा को मिलने के लिए पुल का किरदार अदा किया और शाहिद रिंद ने ही पासपोर्ट बनवाने के लिए सीमा हैदर का जो है सीमा हैदर की भरपूर मदद की। पासपोर्ट बनाने में वो सहूलतकार बना। उसके बाद सीमा हैदर पासपोर्ट बनाने के लिए वीजा के लिए कहां अप्लाई करे, किससे राब्ता करे, वो भी शाहिद रिंद ने सीमा हैदर को फैसिलिटेट किया। सचिन मीणा उनसे मुसलसल राब्ते में हुआ करता था। उसके बाद शाहिद रिंद ने कहा कि ये इंडियन एम्बेसी है तो आप वहां जाकर अप्लाई करो वीजा के लिए, फिर आप नेपाल जा सकती हैं। तो सीमा हैदर को जब ये पता चला कि इंडियन एम्बेसी कराची में मौजूद नहीं है, वो इस्लामाबाद में है, तो सीमा ने इस्लामाबाद जाने से इनकार किया। ये सीमा इंडियन न्यूज चैनल पर कहते हुए नजर आती है कि मैंने हिंदुस्तान के लिए वीजा अप्लाई किया, वीजा के लिए मैंने चक्कर काटे। तो ये मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि सीमा हैदर बिल्कुल झूठ बोल रही है। सीमा हैदर का इस्लामाबाद का कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है इन दिनों के दौरान। सीमा हैदर ये कहती है कि मैंने इंडियन एम्बेसी से राब्ता किया। तो मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि पाकिस्तान के कराची शहर में हिंदुस्तान की एम्बेसी अभी फिलहाल बंद है, वहां पर कोई ऑफिसर नहीं है। जिनको भी वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता है।
उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता है। तो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, कराची में नहीं है। तो सीमा हैदर का ये कहना कि मैंने हिंदुस्तान के वीजा के लिए अप्लाई किया, कोशिश की, तो सरासर झूठ है। सीमा की इस्लामाबाद की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद शाहिद रिंद ने पुल का किरदार अदा करते हुए, सहूलतकार होते हुए, फिर इसने एक ऐसे एजेंट का इंतखाब किया, एक ऐसे एजेंट से रब्ता करवाया सीमा रिंद का कि वो इसको बरास्ता दुबई नेपाल भेजे और नेपाल के बाद वो हिंदुस्तान जाके दाखिल हो। ये जो तमाम कांड हुआ है, इसमें जो पुल का किरदार अदा किया है, जो सहूलतकारी का किरदार अदा किया है, वो शाहिद रिंद ने अदा किया है। ये शाहिद रिंद वही है जिसने सीमा हैदर को नेपाल से हिंदुस्तान पहुंचाया। ये प्री प्लान था, सचिन मीणा मुसलसल इनसे रابطے में था, सचिन मीणा का वालिद नेत्रपाल सिंह मीणा मुसलसल इनसे रابطے में था। अब जब ये प्लान सेट हुआ कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान जाए, तो सीमा के पास पैसे कहां से लाए? सीमा के पास बाद सीमा हैदर ने, शाहिद रिंद ने और सचिन मीणा ने और कुछ और लोग हैं जिनको मैं अभी और डिस्क्लोज करने जाऊंगा जल्दी, ये फैसला हुआ कि गुलाम हैदर साहब का घर बेचा जाए, गुलाम हैदर साहब का सोना बेचा जाए, गुलाम हैदर साहब के 3 लाख रुपए रखे हुए वो लिए जाएं, गुलाम हैदर का वो पूरे घर का सामान। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने गुलाम हैदर साहब के वकील का वीडियो देखा, इसमें दोस्तों उन्होंने खुलासा करके रख दिया है कि जो दोस्तों ये शख्स है, ये सीमा की खाला का लड़का है और इसी ने ही दोस्तों इसकी मदद करी थी सीमा की, और इसका नाम है शाहिद रिंद। ये शाहिद रिंद ने ही दोस्तों सीमा को पबजी इंस्टॉल कर दिया था और उसी के हवाले से इन दो की दोस्ती हुई, और दोस्ती के साथ साथ ये पाकिस्तान से इंडिया भी आ चुकी है। तो दोस्तों इसका नाम आ चुका है, और जो सीमा की बहन है रीमा, वो भी अपने घर से फरार है। तो पुलिस की कार्रवाई जारी है, बहुत जल्दी दोस्तों इन लोगों को सजा भी मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगली बिग अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बिग अपडेट के साथ।